स्टूडेंट्स, आज हम आपको नाउन क्लास का लास्ट नियम बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस नियम को बहुत सारे लोग इस तरीके से बताते हैं कि ये देखो नाउन का कार्य कर रहा है, ये नाउन का कार्य नहीं कर रहा है। तो ये एक स्टूडेंट को समझने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है, उससे बनाना बहुत ही कठिन है। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरा ही देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब चैनल पर, मैंने भी जो पढ़ाना शुरू किया तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। तो आप यकीन मानो, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप उसको एक बार स्वयं पढ़े, आपके पास कोई संशय नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं होगा। तो ध्यान सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास का जो है लास्ट नियम है ये, माँ हमने लिखा, और नाउन क्लास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाउन क्लास का लास्ट नियम आज आपको बता रहे हैं। बहुत ही आसान है नियम, जो ग्रामर में कहा गया है, तो पीसी रेन साहब ने समझाया है या आर पी सिन्हा सर ने लिखा है, उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है कि अगर जो है यस सेंटेंसेस के वाक्य में कथन, आशा, विश्वास या विचार का भाव, दूसरा वाला वाक्य यस सेंटेंसेस के एक वाक्य में आशा, विश्वास, विचार या कथन यानी फैक्ट, ओपिनियन, फेथ और बिलीफ को दूसरे वाक्य में स्वीकार या अस्वीकार करने का भाव स्पष्ट हो, तो हम उसे नाउन क्लॉज मान लेते हैं और दैट से वाक्य को जोड़ देते हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए भी बड़ा दिक्कत हो जाती है ये पहचानना, ये जानना बड़ा दिक्कत होता है एक आम स्टूडेंट के, जो विद्यार्थी है या जैसे हम ही लोग जब पहले स्टूडेंट थे तो समझना बड़ा मुश्किल होता था। तो आप एक क्लू पे चलिए, एक हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, ये आशा, कथन, विश्वास या विचार जैसी कोई बात नहीं रहेगी, बस हमारे उस आप क्लू को जो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक को आप याद रखेंगे। आप विश्वास रखो, लोग कहते हैं 10 सेकेंड, लेकिन 10 सेकेंड का 10 मिनट में भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप यकीन करो, हम आपसे एक सेकेंड कहते हैं, एक सेकेंड के अंदर आ जाएगा, एक सेकेंड तो बहुत हो जाता है। देखते हैं फिर नियम क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर यह सेंटेंसेस की किसी भी एक वाक्य में, ध्यान सुनिए, अगर यह सेंटेंसेस के किसी भी एक वाक्य में दिस, दैट, इट या सो है, तो 100% वो नाउन क्लॉज ही होगा। 100% क्या होगा, वो नाउन क्लॉज ही होगा, नाउन क्लॉज ही होगा। फिर ध्यान सुनिएगा, अगर यस सेंटेंसेस के किसी एक वाक्य में दिस, दैट, इट, सो है, तो 100% वो नाउन क्लॉज होगा। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कथन है, कि आशा है, कि विश्वास है, कि विचार है, ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि रिजेक्ट किया जा रहा है, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें जितना जल्दी देख लेंगी, बहुत सरल है, दिस, दैट, इट, सो अगर है, तब 100% निश्चित हो जाइए ये नाउन क्लॉज है। हमने आपको नाउन क्लॉज को समझने के लिए सिर्फ दो ही नियम बताए हैं। एक नियम जो पहले मैंने आपको सूत्र से बताया था वो ये है, अगर यह सेंटेंसेज का एक भी वाक्य इंट्रोगेटिव में है तो 100% आप निश्चित जाए वो नाउन क्लॉज ही होगा। दूसरा मैं आपसे कह रहा है, वो दूसरा नियम है, अगर वाक्य में, अगर यह सेंटेंसेस को वाक्य में दिस, दैट, इट, सो है, तो आप 100% निश्चित जाओ नाउन क्लॉज होगा। अब इससे बड़ा कोई नियम नहीं है, कोई कथन नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई आशा नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ आपको समझना है अगर वाक्य में दिस, दैट, इट, सो है तो 100% वो नाउन क्लॉज ही होगा। एक बात और बता दें, अभी तक के जितने कंपटीशन में प्रश्न लिखे गए हैं सबसे अधिक बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो बड़ा आसान है, थोड़ा सा ट्रिक है, दो दो तरीके से वाक्य बनता है, तो उसको हम ध्यान से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत आसान है, फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी यानी एम जी, मिलीग्राम में समझिएगा, एम जी मतलब मिलीग्राम नहीं, महात्मा गांधी टाट अस सो, ध्यान समझिएगा, ये अवाक ऐसे भी हो सकता है अथवा आपको ऐसे भी आ सकता है, एम जी टाट अस सो, एक वाक्य का वाक्य, वी मस्ट लव द पुअर, पेपर में लिखा जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस वाक्य से एक विद्यार्थी को समझना बड़ा मुश्किल होता है कि ये कथन है, कि विश्वास है, कि विचार है, क्या है। लेकिन आपके पास एक क्लू है, हमने इन आंखों से देखा, इसमें सो है,
हमने सो को हटाया। ध्यान रखिएगा, अगर यह सेंटेंस दिस दैट इट सो है, इनको आप हटा दो और दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ दो, इनको आप हटा दो और दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ दो, तत्काल वाक्य आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। बहुत ही इजी है। तो देखिए बन गया, सी बराबर कहा जाएगा, यही वाक्य पहले लिखेंगे जिसमें दिस दैट इट सो रहेगा, इसको आप पहले लिखिए, क्या हो जाएगा मेरे भाई, एम जी टाट अस दैट वी मस्ट लव दी पुअर। ये लीजिए, इस वाक को आप बना दो पीसी और इसको आप कर दीजिए एस सी, ये लीजिए इसको कवर कर दीजिए, ये आपका आसानी से आंसर आ गया। ध्यान से फिर सुनते हैं, जिस वाक्य में दिस दैट इट सो रहेगा, जिस भी वाक्य में दिस दैट इट सो रहेगा, इसको हटाओ और दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ दो, आपका वाक्य आसानी से बन जाएगा। एक चीज और हो सकता है, अगर दिस दैट इट सो सबसे पहले है, दिस दैट इट सो तो रहेगा नहीं, अगर पहले है तो आप इनके इसके स्थान इट लगा करके दैट से वाक्य को जोड़ सकते हैं। देखते हैं उसको भी एग्जाम्पल, दूसरा द सन राइजेस इन द ईस्ट, इट इज क्लियर या इट इज सर्टेन, कुछ भी कर सकते हैं, इट इज सर्टेन। हमने क्या देखा है, आप इट पहले आ गया, हमने देखा इट यहाँ पे पहले आ गया, तो बड़ा आसान है। सी बराबर ही कितने तरीके से बनेगा, इस वाक्य आप पहले कर दो इट इज क्लियर और दैट से ही वाक्य को जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे दैट से, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये लीजिए आपका आसानी से आंसर आ गया। अथवा कुछ विद्वान इसको ऐसे ही बनाते हैं कि उनका कहना है जब आप किट हटा रहे हो, किट को हटा दो ना, बहुत सारे विद्वानों का मत होता है अगर आप इसको हटा रहे हैं तो उसको हटा दीजिए, दैट से वाक्य को जोड़ दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। सी बराबर दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ कामा लगाइए, इज क्लियर, इज सर्टेन, सर्टेन लिखा है तो सर्टेन, क्लियर होता तो क्लियर लिखते, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। ठीक, आप इसके स्थान पर दैट भी लगाना, दैट इज क्लियर कामा द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो चाहे आप इस तरह से आंसर बनाइए, चाहे इससे बनाइए और चाहे आप इससे ऐसे बनाइए, ये सब पे सही हो जाएगा, दैट इज क्लियर, दैट इज सर्टेन, इसको जोड़ दीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये लीजिए आपका वाक्य। तो आपसे फिर निवेदन कर रहे हैं, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में फैलाएं और जो समस्या हो आप कमेंट बॉक्स पे आइए, उसको हम आपको समझाने का भरसक प्रयास करें। ठीक।